हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम इन लास्ट 2 मंथ्स। जैसे कि अगर मैं नवंबर 19 अटेम्प्ट की बात करूँ तो हमारे पास इफेक्टिवली 2 महीने बचे हैं जिसमें अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करके चलना है। देखिए जी सर, सीए फाउंडेशन एक ऐसी स्टेज है जो आपकी सीधा 12th के बाद या 12th के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब आप अपनी प्रोफेशनल स्टेज की, प्रोफेशनल स्टडी की पहली स्टेज पर हो, पहली सीढ़ी पे हो। अब इस आज से पहले आपने कभी भी प्रोफेशनल स्टडीज को देखा नहीं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स में किस हिसाब से तैयारी करी जाती है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। जो हमारे सीए एग्जाम्स होते हैं, सीए एग्जाम सिर्फ नॉलेज ही टेस्ट नहीं करते, वो बच्चे की सारी चीजें टेस्ट कर लेते हैं। लाइक उसमें कितना पेशेंस है, उसमें कितना प्रेशर झेलने की स्ट्रेंथ है, कि कितना वो प्रेशर लीड कर सकता है, कितना प्रेशर वो झेल कर सकता है, ये सारी चीजें वो चेक करी जाती है। कि क्या उसकी टाइम मैनेजमेंट है, क्या उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, ये सब चीजें चेक हो जाती है इन योर सीए एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चलिए तो हम यहाँ पर जानेंगे सर, 2 महीने में अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अभी तक अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आपने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 2 महीनों में अगर आप अच्छे जीजा लगा के मेहनत कर देंगे तब भी आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे एग्जाम, तो सर वो भी देखिएगा कि उनकी पिछली बार क्या गलती रही, क्या गड़बड़ी रही, जिसको हम इस बार रिपीट ना होने दें, इस बार वो चीज आपकी दूर हो जाए। हाँ जी, चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी को। देखिए, सीए फाउंडेशन आपका अटेम्प्ट है जी, जो मैं अटेम्प्ट को यहां पर डील करके चल रहा हूं वो है आपका नवंबर 19। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो सर आपके पास सितंबर, आज डेट हो गया 29 अगस्त, तो मोटा मोटा सितंबर से स्टार्ट करते हैं। सितंबर प्लस आपके पास पूरा अक्टूबर बचा है और आपका एग्जाम है जी 9 नवंबर को। 9 नवंबर को एग्जाम है आपका पहला। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर का दिन मैं कह सकता हूं कि आपके पास सितंबर अक्टूबर के 2 महीने बचे हैं। इन 2 मंथ्स में आपको अपनी स्टडी की प्लानिंग किस हिसाब से करनी होगी कि आपके अच्छे नंबर आ जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए एंड रैंक भी आप इसमें ला सकते हो। ठीक है जी, देखिए जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी स्टूडेंट फेल क्यों होता है। सर नेगेटिविटी से शुरुआत, बिल्कुल सर, ये जानना बहुत जरूरी है सर, फेलियर के क्या कारण है, क्योंकि जो रिपीटर होंगे वो यहाँ पर डील कर पाएंगे कि मेरी इनमें से ही कोई ना कोई कमी रही होगी। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो सर जो ये गलतियां हो जाती हैं तो वो गलतियां उनकी रिपीट ना हो। ठीक है जी, पहला कारण क्या होता है सर, हमने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि किताबें हाथ ही लगे, क्योंकि किताबें हाथ नहीं लगे तो सर एग्जाम में जाना बेवकूफी है। पढ़ाई तो करी, पढ़ाई तो हमने करी, किताबें तो हमने यूज करी, किताबें हमने पढ़ी हैं सर, लेकिन वी आर नॉट सिंसियर, हम सिंसियर नहीं थे। वी आर नॉट पंक्चुअल, हम पंक्चुअल नहीं थे। वी आर नॉट डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन नहीं थे। वी आर नॉट ऑनेस्ट टूवर्ड्स आवर स्टडीज। सर खुद से सच बोलो, दुनिया से सच तो बोलना बात की दूर बात है, लेकिन पहले खुद से तो सच बोलो, खुद से आप कितना ऑनेस्ट हो, ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है सर, ये कुछ ना कुछ कमियां रहती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज योर डिस्ट्रैक्शन, कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी। डिस्ट्रैक्शन कैसी हो सकती है सर? डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग सोर्स है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि सर इन्हीं में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाया। पढ़ रहे हैं साथ में व्हाट्सएप कर रहे हैं, साथ में फेसबुक कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब लगा दिया, साथ में कोई गाने लगा दिए। सर वो चीज नहीं करनी आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी। आज से पहले अगर आप सॉन्ग सुनते सुनते भी पढ़ रहे थे, सर ये प्रोफेशनल स्टडीज है, यहाँ पर ये चीजें ध्यान नहीं आएंगी। 11th 12th बीकॉम बीकॉम में सब चलता होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रोफेशनल स्टडीज में नहीं चलेगा ये चीज। यू हैव टू बी मोर एंड मोर सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडीज, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दीजिए सर, आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया आपने तो सर एग्जिस्टेंस ही नहीं है किसी पर्सन की। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सर टाइम, हर चीज का एक समय होता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो सर पढ़ाई होनी चाहिए उस टाइम, सोशल मीडिया नहीं। हाँ पढ़ाई करके उठो, 1 घंटे का स्लॉट अगर आपने रेस्ट का लिया तो सर 1 घंटे में यूज करो ना, कौन मना कर रहा है। यूट्यूब भी देखो, फेसबुक भी देखो, व्हाट्सएप भी देखो, इवन मेरी वीडियो यूट्यूब पे ही देखने वाले हो आप लोग, तो सर यूट्यूब देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है सर, तो हर चीज का एक समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। दूसरी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है सर?
गेम्स की डिस्ट्रैक्शन आज बहुत आजकल बहुत ज्यादा है, पबजी की गेम आ गई और भी कई सारी गेम्स आ गए सर, उसी में बच्चे लगे रहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ी। अगली डिस्ट्रैक्शन सर रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है इनके साथ सर लड़ाई हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो सर एक बार लड़ाई होगी ना पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा सब ये खत्म हो जाए सर, अच्छी बात है, खत्म नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज है, गेम्स खेलनी बहुत अच्छी चीज है सर, सोशल मीडिया यूज करनी बहुत अच्छी है, लेकिन सर टाइम प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इन 2 महीने में आपकी प्रायोरिटी क्या है, ओनली एंड ओनली योर स्टडीज, ये सब चीजें बात की है सर, स्टडीज सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है, स्टडीज करने के बाद सर ये सब चीजें कीजिए कौन मना कर रहा है, घूमने फिरने जाइए एंजॉय कीजिए पार्टी कीजिए कौन मना कर रहा है, लेकिन सर पढ़ाई के टाइम पे ओनली एंड ओनली पढ़ाई, ठीक है सर। दूसरा कारण क्या होता है सर फेल होने का, हमने पढ़ाई तो कर ली लेकिन सर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को रेफर नहीं किया, सर आईसीए का स्टडी मटेरियल भी पढ़ना है, बिल्कुल सर ये तो आपकी बाइबल है, ये तो आपकी गीता है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, आईसीए का स्टडी मटेरियल सर जिस इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने अपना रजिस्टर कराया, जिस इंस्टीट्यूट के आप एग्जाम दे रहे हो उसी के मटेरियल को इग्नोर किया, तो सर ये तो सरासर सर आईसीए की बेइज्जती करना हो गया, और आईसीए की बेइज्जती करोगे तो आईसीए छोड़ेगा नहीं फिर आपको, तो आईसीए के स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, स्टडी मटेरियल में आईसीए का एसएम आता है, आईसीए के आरटीपीज आते हैं, 2-3 अटेम्प्ट के आपको आरटीपीज भी करने हैं, आईसीए के सजेस्टेड आंसर आते हैं, लाइक पास्ट 2-3 अटेम्प्ट के आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स भी करने हैं, तो ये सब मटेरियल आपको कवर करके चलना है, अगर ये भी कवर नहीं किया पढ़ लिया लेकिन ये कवर नहीं किया तो सब भी सर पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज इसी में मैं जोड़ूंगा सर, पढ़ाई करी लेकिन ये स्टडी मटेरियल भी कर दिया फिर भी फेल हो गए सर, तो सर दिस इज योर बैड लक, दिस इज योर बैड लक, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता सर, ये तो बैड लक है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, और इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर पढ़ाई नहीं करी तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी गलती है पढ़ाई नहीं करी, हाँ ये चीज अगर आपने नहीं करी तो सर कोशिश करना ये चीज अब आप गलती जो आपकी रह गई है वो ना हो, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहे तो सर देखना इन चीजों की ये गलतियां आपसे ना रिपीट हो रही, ये गलतियों में आप ना फंस रही हैं, ठीक है सर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम डेज की बात करें तो अगर मैं 1 सितंबर से लगाऊं आपके पास 18 अक्टूबर तक, ये जो 18 अक्टूबर है यहां तक आपको अपने कोर्स को कवर करके चलना है, ये जो 18 अक्टूबर है यहां तक आपको कोर्स को कवर करके चलना है, तो ये मोटा मोटा दिन बनते हैं आपके 30 और 48 डेज, हाँ जी इन 48 डेज में आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, अभी बताऊंगा मैं 18 अक्टूबर का क्या लॉजिक है, अभी सिर्फ ये सुनिए सर 18 अक्टूबर तक आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करके चलना है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है आपका, लॉ एंड इंग्लिश है आपका जिसे हम बीसीआर भी बोलते हैं, और आपके पास मैथमेटिक्स है, मैथ स्टैट्स और एलआर, एंड आपके पास एक पेपर है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का, ये आपको करके चलना है, ये आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए कोर्स बहुत ज्यादा नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट में आप जाएंगे तो ये कोर्स कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, फाउंडेशन लेवल में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हम फाउंडेशन में रैंक की कोशिश करेंगे ना सर, रैंक लेके आएंगे, कोर्स ज्यादा नहीं है टाइम है तो हम रैंक लेके आएंगे, ओके सर। अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, ये जो कंफर्ट जोन होता है सर इससे बाहर निकालिए, कंफर्ट जोन क्या होता है सर, जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, दैट इज योर कंफर्ट जोन, बहुत लोग ऐसे करते हैं जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, मतलब आपने अपने आप को प्रेशर में डाला ही नहीं, आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा सर, कंफर्ट जोन में रहकर कुछ नहीं मिलेगा, जब तक आप अपना कदम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो सर टाइम बाउंड होके जब आपने नहीं पढ़ा तब आपका तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपको टाइम बाउंडेशन रखनी पड़ेगी, अगर आपने सोचा है कि मैं सुबह 6:30 बजे उठ के पढ़ूंगा 6 बजे उठ के पढ़ूंगा तो सर 6 बजे ही उठ के आपको पढ़ना है, एक दो दिन दिक्कत आएगी, एक दो दिन आप 6 के 6:30 भी बजा दोगे 7 भी बजा दोगे सर, लेकिन तीसरे चौथे दिन आप धीरे धीरे अपने आप ही 6 पे पहुंच जाओगे और फिर आप देखना अंदर से आपको कितनी खुशी मिलेगी, ओके सर। हाँ जी सर स्टडी आवर्स हमारे कितने होने चाहिए, स्टडी आवर्स अगर इस टाइम की बात करो सर 12 to 14 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, 12 आवर्स दोगे वो भी बहुत है, 12 घंटे भी दोगे तब भी आपके सफिशियंट है, लेकिन 12 घंटे से कम दोगे तो सर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, 12 घंटे की स्टडी आपको देनी ही पड़ेगी। अब वो 12 घंटे कैसे सर, देखिए पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, 7 घंटे आपने सोने में निकाल दिए सर, 7 घंटे सोना है ज्यादा नहीं है, देखिए ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, 7 घंटे की स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए, ये 7 घंटे कैसे हो सकते हैं, ये 7 घंटे आप एट अ स्ट्रेच भी दे सकते हो, मतलब एक ही बारी में 7 घंटे भी दे सकते हो, और इसको आप पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक 6 घंटे सो लिया आपने रात में और 1 घंटा आपने आफ्टरनून में सो लिया तो भी आप उस हिसाब से
कर सकते हो। बचे कितने सर, 17 आवर्स। इन 17 आवर्स में आपके 3 से 4 घंटे सर होते हैं अनप्रोडक्टिव आवर्स। अनप्रोडक्टिव आवर्स में क्या होता है, जिसमें आपका नहाना धोना खाना पीना जाना उठना बैठना ये सब चीज आती है। पेरेंट्स ने बोल दिया ये काम कर दो, मार्केट चले गए, कभी कुछ संभाल लिया, कभी कुछ संभाल लिया, कभी किसी फ्रेंड से बात होगी, कभी किसी फैकल्टी टीचर से बात होगी, मतलब ये सब चीजें आपके क्या होते हैं, अनप्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। यहां से इन चीजों को रिमूव करने के बाद आपके पास बचेंगे 14 घंटे। इन 14 आवर्स में से फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ 2 घंटे और निकाल दो तो 12 घंटे की आपको स्टडी देनी पड़ेगी। इन 14 आवर्स में भी इससे भी आपने 2 घंटे और रिमूव कर दिए तो 12 घंटे की आपको स्टडी देनी पड़ेगी। और इन 12 घंटों में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक स्लॉट ऑफ 3 आवर्स ईच। मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ सर, फेस टू फेस बैचेस में अपने बच्चों को बोलता हूँ सर, 3 घंटे का स्लॉट बहुत जरूरी है। अगर आज ही आपने 3 घंटे पढ़ना नहीं सीखा तो आगे जाके आपकी हैबिट नहीं बनेगी। अभी तो फाउंडेशन की स्टेज है, आगे जाके इंटरमीडिएट है, फाइनल है। 3 घंटे का स्लॉट देना बहुत जरूरी है। 2 घंटे पढ़ोगे, 1.5 घंटे पढ़ोगे तो सर हैबिट ही नहीं बनेगी 3 घंटे की। अभी से हैबिट डालो ना, 1-2 दिन दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में कुछ दिन दिक्कत आ सकती है, सर 3 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं सर 1.5 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का गैप देके फिर 1.5 घंटा पढ़ लो, ऐसे कर दो। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो कि 3 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ने की, उसके बाद आप आधे पौने घंटे का 1 घंटे का गैप दो ना, कौन मना कर, ठीक है सर। ये 3 घंटे का आपको गैप देना है। और सर कितने सब्जेक्ट्स इन अ डे, यू हैव टू डू ऑल सब्जेक्ट्स, आपको रोज सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। इंटरमीडिएट में जब मैं जाता हूं तो मैं बच्चों को बोलता हूँ 1 या 2 सब्जेक्ट, फाइनल में भी 1 या 2 सब्जेक्ट, लेकिन सीए फाउंडेशन में क्योंकि आपके सब्जेक्ट ही 4 हैं तो आप एक 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 ही सब्जेक्ट में कहीं कहीं दिन लगा देंगे सर, बहुत बुरी फील होगी। 2 सब्जेक्ट से भी कुछ नहीं होगा सर, 4 सब्जेक्ट उठा लीजिए रोज। 3 घंटे के 4 स्लॉट बनाइए, 3 आवर्स के 4 स्लॉट बनाइए, तो सर हर स्लॉट में आपका एक सब्जेक्ट हो गया तो 12 घंटे के आपके यहाँ पर स्टडी आवर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब स्टडी आवर्स क्या हो सकते हैं, स्टडी आवर्स आपके होने चाहिए सर, स्टार्ट अगर आप करो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ बच्चों को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से सर मॉर्निंग स्टडीज ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि रात को क्या होता है, रात की दिक्कत ये होती है कि रात को डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, मॉर्निंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। रात को अगर आपकी एक बार लगी नींद तो सर अगले दिन सीधा सुबह ही जाके उठोगे। मान लो आपने सोचा मैं रात को 12 से सुबह 6 बजे तो पढ़ाई करूंगा, 6 घंटे की पढ़ाई करूंगा, और अगर 12 से 2 आप पढ़े और 2 बजे आपकी गलती से भी नींद लग गई तो सर फिर कोई उठाने वाला नहीं है, फिर आप अगले दिन सुबह 6, 7, 8 बजे ही उठोगे। लेकिन सुबह क्या होगा, सुबह आप पढ़ते पढ़ते आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, 5 से 7, 8 बजे तक पढ़ाई करी, फिर अगर आपकी नींद लग भी गई तो सर 1 घंटे बाद आप मम्मी को बोल सकते हो, पापा को बोल सकते हो, बहन भाई को बोल सकते हो कि मुझे प्लीज 1 घंटे बाद उठा देना, तो 1 घंटे बाद आपके पास कोई उठाने वाला तो है, रात को थोड़ी ना कोई आपकी नींद अपनी नींद सेक्रीफाइस करके आपको उठाने आएगा सर, और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए सर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट को करना है, तो मॉर्निंग स्टडी ज्यादा बेटर है। तो अगर आप 6:30 बजे से उठ रहे हो तो 6:30 से 9:30 का एक स्लॉट दो, फिर 1 घंटे का गैप देके 10:30 से 1:30 बजे का एक स्लॉट दो, फिर 1 घंटे का गैप देके 2:30 से 5:30 का एक स्लॉट दो, फिर 1 घंटे का गैप देके 6:30 से 9:30 का एक स्लॉट दो। ये 4 आपको स्लॉट रखने, हाँ जी 4 स्लॉट समझ में है, सुबह 6:30 से 9:30, 10:30 से 1:30, 2:30 से 5:30 एंड 6:30 से 9:30। सर इस स्लॉट में कभी भी नहीं सोना, ये 2:30 से 5:30 का स्लॉट है, इस स्लॉट में कभी भी नहीं सोना, क्योंकि एग्जाम आपका 2 से 5 होता है। अगर आपने इस टाइम पे सोने की हैबिट डाल ली तो सर एग्जाम में भी फिर आपको नींद आएगी, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोना। देखिए जी, अब सब्जेक्ट आपको क्या उठाना है, सुबह 6:30 से 9:30 में सर आप अकाउंट्स उठाइए, कोई भी प्रैक्टिकल पेपर, अकाउंट्स उठाइए या मैथ्स उठाइए, प्लस की जगह लिखते हैं, और अकाउंट्स उठाइए या फिर मैथ्स उठाइए, दोनों में से जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आपको ज्यादा स्कोरिंग लगता हो तो वो पेपर उठा लीजिए। अकाउंट उठाना चाहे अकाउंट उठा लीजिए, मैथमेटिक्स उठाना चाहे मैथ्स उठा लीजिए, लेकिन उठाना प्रैक्टिकली, क्योंकि सुबह सुबह आपने कोई थ्योरेटिकल पेपर उठा लिया, लॉ उठा लिया तो सर नींद आ जाएगी, तो सुबह सुबह आपको अकाउंट या मैथमेटिक्स उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका 10:30 से 1:30 का समय बचता है, इसमें आप अपना इकोनॉमिक्स पेपर उठाना इकोनॉमिक्स उठा लीजिए, लॉ उठाना लॉ उठा लीजिए, सेम यहाँ पर भी आप इकोनॉमिक्स उठाना इकोनॉमिक्स उठा लीजिए, लॉ उठाना लॉ उठा लीजिए, यहाँ पर आप अकाउंट्स उठाना अकाउंट्स उठा लीजिए, मैथ्स उठाना मैथ्स उठा लीजिए। तो इस हिसाब से आपको शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आपने यहाँ अकाउंट्स उठाया, यहाँ आपने लॉ उठाया, यहाँ आपने इकोनॉमिक्स उठाया, यहाँ आपने मैथ्स उठाया, तो सर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये जो 10:30 से 1:30 का समय है, ये इस 1 घंटे में आपको क्या करना है सर, लंच करने के बाद आपको एक 45 मिनट्स का शॉर्ट नैप लेना है।
45 मिनट्स का शॉर्ट नैप लेना है। इस टाइम पे आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके, क्योंकि अगर आप रिलैक्स करना चाह रहे हो माइंड को और आपका मोबाइल में ध्यान है सर, तो मोबाइल से माइंड रिलैक्स नहीं होगा और आईज में स्ट्रेन पहुंचेगा, आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो यहां पर आपको मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड पे करके अपने आप से दूर करके आपको 45 मिनट्स का नैप लेना है सर। नींद नहीं आती, दिक्कत आती है कि आफ्टरनून में नींद नहीं आ रही, तो क्या कीजिए सर? लंच करने के बाद लेट जाइए अपने बेड पे, अगर नींद नहीं आ रही तो सर मोबाइल में एक बाइनोरियल बीट्स होती है, बिल्कुल स्लो वॉइस में हेडफोन्स लगा के लाइट्स को ऑफ करके रूम में बिल्कुल शांति से लेट जाइए। इससे होगा क्या, भले ही आपकी बॉडी ना सोए हमारा माइंड सो जाएगा, क्योंकि हमें सर अपनी बॉडी नहीं सुनानी है, हमें अपना माइंड सुनाना है। एक बार आपका माइंड सो जाएगा तो 45 मिनट्स बाद आप दोबारा अच्छे से फ्रेश होके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है सर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 9:30 बजे के बाद सर डिनर जब आप करेंगे, डिनर के बाद आपको 20 to 25 मिनट्स की वॉक जरूर करनी है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और इस वॉक पे सर आपको बिल्कुल भी अकेले जाना है, किसी को भी साथ में नहीं लेके जाना, अकेले जाना है। और करना क्या है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ाई करी है, जो भी आपने पूरे दिन में स्टडी करी है, इस 20 से 25 मिनट में अपने माइंड में इसको रिकॉल कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। अगर आप 20 से 25 मिनट में आप माइंड में इसको रिकॉल कर पाते हैं, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। अभी आपके पास देखिए सिर्फ लॉ का सब्जेक्ट है, ज्यादा प्रोविजंस आपके पास नहीं है, इंटरमीडिएट में जाके आपके पास कई सारे सब्जेक्ट ऐसे आ जाएंगे, लॉ भी आ जाएगा, कई तरीके के लॉ पढ़ोगे आप, टैक्सेशन पढ़ोगे, ऑडिट्स पढ़ोगे, तो रिटेन करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। तो अभी से आपको अपने माइंड को रिटेंशन के लिए तैयार करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी चीजों को क्या कर पाऊं, रिटेन कर पाऊं। तो ये 20-25 मिनट आपको वहां पर मदद करेंगे। और वापसी आने के बाद 30 मिनट्स अपने आपको जरूर देने हैं। इस 30 मिनट्स में आपको प्लानिंग करनी है फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए प्लानिंग करनी है कि मेरे को अगले दिन क्या करना है। अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाया आज का, तो अगले दिन सर आपको थोड़ी सी मेहनत करके पुराने दिन का भी टारगेट अचीव करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव स्टडी, कि अगर पुरानी कोई कमी रह गई तो उसको सबसे पहले रिमूव कीजिए और फिर उसको आगे बढ़ाइए। आई बात समझ में? हाँ जी, चलिए जी। अब जो मैं आपको बता रहा था 18 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर क्या डेट है सर, इस 18 अक्टूबर के बाद जो आपके दिन बचेंगे, दैट इज 18 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, क्योंकि देखिए 6 7 8, 6 7 और 8, ये 3 दिन तो आप पहला पेपर पढ़ रहे होंगे, दैट इज योर अकाउंट्स का पेपर पढ़ रहे होंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो आपके दिन बचते हैं, ये मेरे ख्याल से 16 दिन बनेंगे आपके, इन 16 डेज में आपको अपने कोर्स को अगेन रिवाइज करना है। 3 से 4 दिन पर सब्जेक्ट को देके आपको अपने कोर्स को अगेन रिवाइज करना है। यहां पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाना है फिर। अब आपको सारे सब्जेक्ट नहीं उठाने, यहां पर आपको वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, जैसे आपने 3 दिन 4 दिन रखे आपने कि अकाउंट्स पढ़ूंगा 3 4 दिन, तो 3 4 दिन में आपको अकाउंट्स कंप्लीट करना है, प्लस उसका एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर करना है। इस मॉक टेस्ट पेपर की सर, ये मॉक टेस्ट पेपर कहां मिलेगा, आईसीए अपने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करेगा एग्जाम के टाइम पे कुछ दिन पहले, तो वो मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर करके चलना है। और टाइमिंग क्या करना है सर, वही एग्जाम लाइक टाइमिंग है, 2 से 5 का टाइम, जो एग्जाम में टाइम होता है सेम उसी टाइम पे, 2 से 5 के टाइम पे ही आपको मॉक टेस्ट पेपर करना है, इन एग्जाम लाइक सिचुएशन, बिल्कुल टाइम बाउंड होके। इससे आपको पता लगेगा कि मेरी छोटी छोटी क्या कमियां हैं, और खुद ही अपने आंसर को चेक कीजिएगा, सेल्फ इवेल्युएशन करनी सीखिए अपने आप की। भाई एग्जामिनर तो चेक करेगा ही करेगा, अपने आंसर्स को अपने सॉल्यूशन से, जो सजेस्टेड आंसर है उसको सॉल्यूशन से मैच करके सेल्फ इवेल्युएट करना सीखिए, और तब आपको पता लगेगा कि मेरी क्या कमी है, क्योंकि दिस इज योर प्रैक्टिस। अगर आपने यहां पर प्रैक्टिस कर ली तो उस 3 घंटे में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमें जो परफॉर्मेंस देनी है वो 3 घंटे में देनी है, लेकिन उसके लिए हमारी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी तरीके से हमने उस सिचुएशन को डील कर लिया होगा, हमें उस एग्जाम डेज में दिक्कत नहीं आएगी। आती है बात समझ में? हाँ जी, चलिए जी। तो ये हमारी कुछ स्टडी टिप्स हैं जो आपको मदद करेगी। हाँ जी, यस। सो ये कुछ स्टडी टिप्स थी मेरी तरफ से जो आपको फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगी। अच्छा, एक और टिप थी, वो मैं आप रह गया अभी बता देता हूँ। देखिए जी, जब भी आप अपना कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे होंगे, जैसे आपने अकाउंट उठाया, एक चेकलिस्ट जरूर बनाइएगा सर। ये चेकलिस्ट क्या है सर, देखिए
आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को सामने लिखना है और कंटेंट में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है वेटेज वाइज कि भाई कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले करेंगे, इजी प्लस इंपॉर्टेंट, इजी प्लस। इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए। जैसे छोटे छोटे टॉपिक है लाइक एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, ये मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेंट्री, डेप्शन, मतलब इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को डिसाइड कीजिए कि मेरे को इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, ठीक है। और यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर आप अपनी जो चेकलिस्ट बना रहे हैं, इस चेकलिस्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके कोचिंग की बुक, जो भी आप कोचिंग कर रहे हैं उस कोचिंग की बुक होनी चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट ये देखना है आपको, क्या कोचिंग वाली बुक में आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कवर है। अगर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कवर नहीं है तो सर वो बुक के बाद आपको आईसीएआई का स्टडी मैट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद आपके आरटीपीज, दो तीन आरटीपीज, मई 19, नवंबर 19 का आरटीपी, आपके मॉक टेस्ट पेपर, आपके सजेस्टेड आंसर्स, ये सब चीजों की आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है। और जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं साथ में टिक लगाते जाइए कि मेरा कोचिंग होगी, आरटीपी हो गया, सजेस्टेड हो गया, मॉक टेस्ट, मतलब एक तरीके से आपकी एक चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी करना। देखिए जितना हम ऑर्गेनाइज मैनर में स्टडी करेंगे उतना हमारी स्टडी की क्वालिटी बढ़ेगी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने से क्वालिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। वही चीज तो हमें बढ़ानी है सर। पढ़ते सबको ही है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन इतनी क्वालिटी से, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कोई नहीं पढ़ता। अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो सर बहुत ही ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो यू हैव टू बी मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है सर। हाँ जी, ताकि आपको जो एग्जाम के 3 घंटे हैं उसमें दिक्कत ना आए और एग्जाम के डेज में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है जी। सो ये है हमारी कुछ स्टडी टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका एग्जाम डे होंगे उस एग्जाम डेज में आपको क्या करना है। पहले 3 घंटे की बात करते हैं सर। वो 3 घंटे की जो बैटल फील्ड है उसमें हमें जो लड़ाई लड़नी है 3 घंटे की, वो किस तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है। देखिए जी, उस 3 घंटे में आपके जो फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलते हैं वो 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 15 मिनट्स में आपको अपने पूरे पेपर को प्लान करना है। तो जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपको जो 15 मिनट मिले तो सर कभी भी उस 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना आपको। रीजन बीइंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, वो तो आपको करना ही करना है, उसको पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना है। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, एंड तक पढ़िए, और सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन डिसाइड करना है जो कि आपको नहीं करना। चुपचाप वो क्वेश्चन डिसाइड करके उसको काटा लगा दीजिए। बाद में चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा, बाद में डिसाइड करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और फिर आप डिसाइड करोगे ये करूंगा वो नहीं करूंगा, पेपर छूट जाएगा। क्योंकि सर पेपर होते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग, लेंथी पेपर होते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको मोर एंड मोर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है। उसके बाद आपको क्या सीक्वेंस डिसाइड करनी है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, वो सीक्वेंस भी आपको 15 मिनट में डिसाइड करनी है। और फिर ये सब चीजें आप करोगे ना तो आपके 15 मिनट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपने पेपर को स्टार्ट कर दीजिए सर। जितना नीट एंड क्लीन पेपर करेंगे, जितना अच्छे तरीके से पेपर करेंगे, ऑर्गेनाइज मैनर में पेपर करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टार्टिंग कीजिए उस क्वेश्चन से जो आपको अच्छे से आता हो, फिर आप अपने सीक्वेंस में करते चलिए। तो सर वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 घंटे का तो सर वो बैटल फील्ड है जो आपको लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। फ्रेश होके जाइएगा एग्जाम में, अच्छे से नींद लेके जाइएगा, वो आपको बहुत जरूरी है। एग्जाम के बाद की अगर मैं बात करूं, जैसे आप पेपर दे के आए, उसके बाद आपका 1 दिन गैप के बाद अगला पेपर है, तो सर जिस दिन आप पेपर दे के आ रहे हो 5 बजे आपका पेपर खत्म होगा, लगभग 6 बजे तक आप घर पहुंचेंगे, अच्छे से खा पी के सो जाइएगा, अच्छे से खा पी के सो जाइएगा। क्योंकि आप सर माइंड इतना स्ट्रेस उठा है, क्योंकि आप सोचो कि मैं एग्जाम दे के आऊंगा और 1 घंटे बाद पढ़ाई शुरू कर दूंगा, दिमाग नहीं चलेगा, टाइम खराब करोगे। तो 6 बजे आके सो जाइएगा, 2 घंटे कम से कम सोना है। अगर आप 8:30 बजे भी, 9 बजे भी उठते हो तो कोई बुराई नहीं है, 9 बजे उठ के उसके बाद 3 से 4 घंटे की आपको स्टडी निकालनी है। उस टाइम आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपके पढ़ने की स्पीड भी होगी। तो छोटे छोटे इजी इजी टॉपिक्स हैं उनको पहले निपटा दीजिए, उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने अगले सब्जेक्ट को उठाइए। समझ में आती है? हाँ जी। फिर आप अपने अगले अगले सुबह कह रहा हूँ, फिर 3-4 घंटे पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 6-7 घंटे सोइए, फिर अगले दिन पे आएंगे, फिर अगले दिन आपका जो बैलेंस पोर्शन है वो आप कवर करके जाएंगे। फिर आप उस दिन, जिस दिन आपका अगला दिन है, या 12 बजे सोने के बाद, फिर आप नेक्स्ट डे एग्जाम डे पे 6 बजे उठेगा और 6 बजे से लेकर 11, 11:30 इतने बजे तक पढ़िएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं उठाना, 1-1.5 घंटा आपको अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना है,
रेस्ट करना है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप एंड डे तक, एंड टाइम तक, एंड मोमेंट तक पढ़ते चले गए तो सर वो बेकार है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो 1.5 घंटा आपको बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अगेन बाइनोरियल बीट्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई बिल्कुल? हाँ जी। कोर्स, सर कोर्स 100% ना कवर हो तो कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर 100% ना कवर हो तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ऐसा कभी नहीं होता कि हर सब्जेक्ट में आप हर एक चैप्टर में परफेक्ट हो। कुछ ना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, जैसे अकाउंट्स में किसी को एनपीओ में दिक्कत आती है, किसी को रेक्टिफिकेशन में दिक्कत आती है, किसी को पार्टनरशिप में दिक्कत आती है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, वो नेचुरल चीज है। सब कुछ हमें सब कुछ आता हो वो पॉसिबल नहीं है, जितना आता हो उतना अच्छे से कीजिएगा। अभी 2 महीने है, जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है उसको कोशिश करिए दिक्कतों को दूर करने की। लेकिन दिक्कत दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिक्कत दूर हो रही है तो सर काफी हद तक तो आप कवर कर ही लोगे। उसके बाद जितना पोर्शन आपका हो जाए सर बहुत अच्छी बात है, उतने पोर्शन को ही अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपका 90% भी कोर्स हो जाता है सर उसमें कोई बुराई नहीं है, 90%, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। उस 90 में से आप इतने परफेक्ट हो कि उस 90 में से 80 लेके आओगे, इतना आपको परफेक्शन अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ जी। सो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को फिर वाइंड अप करेंगे। आई होप ये टिप्स आपको कुछ समझ में आई होंगी, आपको बहुत मदद करेगी सर सीए फाउंडेशन को क्लियर करने में। कुछ बातें ध्यान रखिएगा सर, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मुझसे नहीं होगा कभी नहीं होता, ये सोचिएगा तुमसे ही होगा। अगर माइंड में आ रहा होगा ना मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, तुमसे ही होगा। अगर आप मुझसे नहीं होगा तुमसे ही होगा से रिप्लेस कर देंगे सर, पॉजिटिविटी आ जाएगी। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, अगर ये लोग ऐसा सोचते सर कितनी दिक्कत आती है, बड़े आदमी बन ही नहीं सकते थे, इतने सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते थे। अगर ये सोचते मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो सर ये आज इस मुकाम तक पहुंचते? माइंड में आता होगा उनके भी, देखिए नेगेटिविटी बहुत होती है, फेलियर हमने देखे अपनी लाइफ में, मैं नहीं कर सकता ये तो बहुत ज्यादा आएगा माइंड में, लेकिन इसको आपको क्या रिप्लेस करना है, मैं नहीं कर सकता ना सर, तब आपको ये बोलना है अपने अंदर से मैं ही कर सकता हूं। एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, लोग मोटिवेट करते रहेंगे, मोटिवेशनल किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर है सर? चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सीए का एग्जाम दे रहे हैं तो सर उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका कुछ भला हो पाए। ठीक है सर, चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।